यहाँ पर काफी बार ऐसा होता है कि आपने कुछ काम किया है उसका क्रेडिट भी नहीं मिलता है। डानी सर ने बोला भी कि शारिब यू आर अ वेरी गुड एक्टर। ये फिल्म कैसे मिली थी, कुछ यादगार बातें, दिलचस्प किस्सा अगर आपके पास है तो स्लम डॉग से आप मुझे सुनाइए, कैसे हुई थी इसमें आपकी कास्टिंग? जब सब स्लम डॉग मुझे मिली थी उस वक्त मैंने मतलब एक्टिंग करने का वो सोचा भी नहीं था। मैं चैनल वी में उस वक्त नौकरी कर रहा था एज अ राइटर, और मेरे एक दोस्त ने मुझे बुलाया जो असिस्टेंट का डायरेक्टर था उसमें फिल्म में, और उसने कहा कि एक रोल है छोटा सा, मतलब रोल क्या एक सीन है, तो मेरे ऑडिशन तो सन इन सैंड में मैं गया था, और अगर ये सीन अगर कोई उस वक्त उस जमाने में अगर कोई बॉलीवुड फिल्म में होता तो शायद कोई जूनियर आर्टिस्ट को खड़ा कर देते वो, पर मेरा बाकायदा ऑडिशन लिया गया और डैनी बॉयल सर ने मेरा खुद ऑडिशन लिया उन्होंने, और उस वक्त मैंने एक लाइन इम्प्रोवाइज की थी ऑडिशन के दौरान, और उन्होंने मतलब पूछा और वो बहुत हंसते थे, और तो मैं जब शूट पर पहुंचा तो वो लाइन जो है उन्होंने स्क्रिप्ट में ऐड कर दी थी। जबकि एक एक्टर का काम होता है इम्प्रोवाइज करना, ऐसा कोई मैंने अलग से कुछ तोप काम नहीं किया था, बट जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने बोला कि आपने स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने कहा जी सर मैंने पढ़ी, और तो उन्होंने कहा कि हमने आपकी लाइन भी ऐड कर दी है जो आपने ऑडिशन में कही थी, यू आर इवन पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट नाउ। तो वो मेरे लिए बड़ी बात थी क्योंकि इस तरीके से किसी चीज को मतलब किसी एक्टर को एनकरेज करना, अक्नॉलेज करना, ये मतलब एक बड़प्पन की निशानी है। यहाँ पर काफी बार ऐसा होता है कि आपने कुछ काम किया है उसका क्रेडिट भी नहीं मिलता अच्छा, फिल्म में आपको क्रेडिट भी मिलता है कि आपने स्क्रिप्ट में कोई इनपुट दिया है फिल्म में? है। मेरे भाई मैं एक तंजिया वो कर रहा था कि यहाँ पर कई बार किए हुए काम का भी क्रेडिट मिलता नहीं है, मिलता। हाँ ने अपने से ऐसे बोलकर एक्नॉलेज किया वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात क्या बात है। और शूटिंग के दौरान का जब एक्शन, डेनी बॉयल आपको बोल रहे होंगे कट लाइट, बहुत तो मजा यू आया, नो हाँ बहुत। आपकी पहली फिल्म। हाँ मैं तो मतलब मेरी तो पूरा शूट जो है मैंने मतलब एकदम ऐसे चौड़ी छाती के साथ में किया था कि मैं डैनी बॉयल की फिल्म कर रहा हूँ और डैनी बॉयल इज डायरेक्टिंग भी, और सर एंथनी डॉड मेंटल जो उसके डीओपी थे वो मतलब वो भी रहे, मतलब वो शूट कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो मतलब वो बहुत अनरियल था सब कुछ, और मैंने वो एक दिन भी मैंने इतना एंजॉय किया था वहां पर, और हमेशा जिंदगी भर ताम्र याद रखूंगा। जब पैकअप हुआ तो डैनी सर ने बोला भी कि शारिब यू आर अ वेरी गुड एक्टर, तो वो ये सब मेरे लिए मतलब बहुत बहुत एक एक उनकी कही गई बात मेरे लिए एक एक अवार्ड है। अच्छा देखिए, आपका बहुत छोटा सा रोल था, जैसे आपने कहा कि अगर भारत में, हाँ मैं अगर ये फिल्म बॉलीवुड में बनती तो किसी जूनियर आर्टिस्ट को खड़ा कर दिया जाता, लेकिन वहां पर छोटे छोटे रोल पे इतना ध्यान दिया जाता है, इतने ऑडिशन लिए जाते हैं हॉलीवुड में, तो क्या हॉलीवुड में जब फिल्म देखी गई और आपके रोल को कभी किसी ने देखा होगा, वहां से कभी कुछ कॉल आया कि यार ये एक्टर भी हमको चाहिए? वो इतना बड़ा रोल भी नहीं था। करे नहीं। हाँ और फोन करे हॉलीवुड से यहाँ, हाँ तो वो एक हाँ छोटा पार्ट था और मतलब मुझे मिला, वो मेरी खुशकिस्मती है। और हाँ मैं ये भी बता दूं कि आज की डेट में हम भी यहाँ बहुत कास्टिंग पर बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, जैसे कि कास्टिंग बे है, एमसीसीसी है, और एंटी कास्टिंग है, ये बहुत सारी अभी एजेंसी कास्टिंग की, और सब बहुत एक एक कैरेक्टर अगर चुनते हैं, जैसे आप स्कैम की कास्टिंग देख लीजिए, पाताल लोक की कास्टिंग देख लीजिए, बहुत ही अमेजिंग कास्टिंग हुई है एक एक सीन के लिए लोग, मतलब हम मेरा स्कैम में सिर्फ एक सीन है। सही बात है, स्कैम में आपका एक सीन है। जो आप सराहना पहुंच वो मतलब बहुत, मैं उसके लिए तहे दिल से मतलब शुक्रगुजार हूँ हंसल सर का और जय का।